हमीरपुर के अणुचौक में पिछले कई वर्षों से गोलगप्पे और सब्जी व फल इत्यादि की रेड़ी लगाकर दंपत्ति बुजुर्ग अपनी आजीविका कमा रहे थे और गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन मार्च माह में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में व्यवसाय बंद होने के कारण बुजुर्ग को रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग दंपत्ति ने लॉकडाउन होने से पहले अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए बैंक से 1.5 लाख रुपए का ऋण लिया था और सब्जी व फल खरीदे थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अचानक लॉकडाउन लग जाने से बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा खरीदी हुई सारी सब्जियां व फल खराब हो गई, जिसके चलते अब बुजुर्ग दंपत्ति के पास आमदनी कमाने का कोई साधन न होने की वजह से बैंक का ऋण वापस लौटाने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। हालात ये हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन पेट को पालने के लिए मजबूरन दंपत्ति को गोलगप्पे बेचकर पेट भरना पड़ रहा है। लॉकडाउन तो खुल चुका है, परंतु कॉलेज बंद होने के चलते बुजुर्ग के गोलगप्पे खरीदने कोई भी नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते अब उन्हें अपना गुजर बसर करना और भी मुश्किल हो चला है। जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। वहीं बुजुर्ग राम निवास ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से हिमाचल में रह रहे हैं और फल व सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारा रोजगार छिन गया। उन्होंने कहा कि उनका पालन पोषण करने के लिए कोई भी नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और मैं यहाँ 23-24 साल से रह रहा हूँ यहाँ। बाकी ये है कि मैं यहाँ सब्जी का काम और गोलगप्पे का काम करता हूँ। मैं तो लॉकडाउन की वजह से बहुत समस्या आ गई मुझे। मैंने 1,10,000 रुपये कर्जा बैंक से ले रखा। सर लॉकडाउन में मेरी सब्जी फ्रूट और गोलगप्पे सारा कुछ नुकसान हो गया मेरा सर। अब मेरे पर ना मेरे को कोई सरकारी मदद मिली, ना मुझे कोई राशन मिला। DC के पास गया था सर, मुझे एक थैली हट्टा दे दिया। उन्होंने पूछा भाई क्या मदद करें। हमें सर देख लो, हमारे पास तो कोई समस्या है नहीं सर खाने पीने की। तो उन्होंने एक थैली आटे की दे दी सर। अब सर हम कहाँ से कर्जा दें, कहाँ से बैंक का कर्जा उतारें। बैंक वाले बोलते हैं कि भाई कर्जा की किस्त दो। अब सर हमारा काम धंधा है नहीं यहाँ। अब हम बहुत परेशान हैं। अभी भी कॉलेज की वजह से हमारा यहाँ काम नहीं है। गोलगप्पे का काम कर रहे हैं और फ्रूट का काम सारा सड़ गया हमारा सर। उधार मंडी का 30,000 रुपये कर्जा देना मैंने। मकान में जिस मकान में रहता हूँ सर, उसका भी 30,000 रुपये कर्जा है मेरे पर। अब अभी तक मकान मालिक ने भी एक दो बार मांगा है भाई। अब भाई मेरे पर किराए भाड़े के लिए देने के लिए, अपनी हल करने के लिए कोई भी मेरे पर सर कोई वो नहीं है। कोई रिश्तेदार, कोई बच्चे, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। खास सर मैं यही मदद मांगता हूँ कि भाई मेरा राशन कार्ड जो है BPL का किया जाए और सर मेरा कर्जा जो है मेरा माफ़ किया जाए। अगर सर मेरी मदद कर सके सरकार तो, और बाकी और क्या मैं अच्छे से अपने कमाऊँ खाऊँ। रामनिवास की पत्नी बिरला देवी ने बताया कि उनके पास आय का कोई साधन नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि वे फल व सब्जी बेचकर अपना पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनका सब कुछ छीन लिया। अब उन्हें अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। बिरला देवी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी मदद नहीं करती है तो वे आत्महत्या कर लेंगे। समस्या है भाई, कुछ है नहीं मेरे पास। ना कोई कमाने वाला है, ना कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से खर्चा करें, कहाँ से किराया दे। अभी क्या काम करते हैं आप? जाई रेडी पर आते हैं दोनों। आपके बच्चे वगैरह नहीं है? कोई कमाने वाला नहीं है। अब हम पे भी नहीं होता है। आज तुम्हारे सामने आए, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से खर्चा करें, कहाँ से किराया दे, कहाँ से क्या करें। हर चीज चंगती है घर गृहस्थी में। मेरी मदद कराओ ना तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। सबको कर्जा उतर जाएगा। चाहे इलाज रहेगी, आज कोई इलाज नहीं है मेरे पास। कितना कर्जा? 50,000 है ना कि ना है? 50,000 मैंने लिए। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मेरी सुना है, मेरी पेंशन भी लगा।
मेरी पिल्सन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये हाथ माया है, ये भी थक गए, ये जवाब दायल करे। हम कह रहे हमारो कर्जा माफ हो जाए, हमारे बीपीएल को राशन कार्ड कर दे। राशन कार्ड है मेरे पे महंगा आ रहा है, पैसा ना होंगे तो राशन भी कहाँ से लेंगे।